वेलकम एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आलोक आप सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो सबकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही होंगी और इसी जोर शोर में हम आपका साथ दे रहे हैं। तो अपनी तैयारी को हमारे साथ जुड़े रहें और मजबूत बनाते रहें। एक ना एक दिन सफलता आपके पास जरूर आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। ठीक है, तो आप भी अपने पसीने की स्याही से अपनी किस्मत को लिखिए, अपने इरादे को बुलंद रखिए, आपके भी मुकद्दर के पन्ने कोरे नहीं जाएंगे। आपके भी मुकद्दर के पन्ने में वो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, आप भी एक सरकारी नौकरी लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी एम के साथ, इसी लक्ष्य के साथ अपनी करंट अफेयर की क्लास को स्टार्ट करेंगे और चलते हैं अपने क्लास की तरफ। उसके पहले सभी लोगों में जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक कमेंट शेयर ये सब आप दबा के करते रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा होगा सभी लोगों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज का पहला टॉपिक आपके सामने है। मैं आलोक करंट अफेयर की क्लास में, ये है आपका टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024। ठीक है, तो इसको आपको अब जैसे हिंदी में ये नहीं पढ़ना है कि अंतर्राष्ट्रीय बैगनी उत्सव, तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव है तो पर्पल ही है। ठीक, कौन सा उत्सव है? अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव। ठीक, क्या है? अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक क्या किया गया, पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो पोर्टल आप लोगों को पता होगा एज ए वेबसाइट होता है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने में या फिर जानकारी प्राप्त करने में या फिर सेवाओं को प्राप्त करने में, जानकारी हो गई, कोई सेवा हो गई, इन सबको प्राप्त करने के लिए किसका यूज किया जाता है? पोर्टल्स का यूज किया जाता है। ठीक, तो इस पर्पल उत्सव को कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? तो पर्पल उत्सव को स्टार्ट किया गया गोवा में। कहाँ पर स्टार्ट किया गया सर? गोवा में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये किसके लिए है? ये है सशक्तिकरण और समावेशिता। क्या है? सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक, और समावेशिता। ठीक है, किसके लिए है? समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए क्या है, एक प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहां पर स्टार्ट हुआ? गोवा में स्टार्ट हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये गोवा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय पर्पल महोत्सव 2024 कहां पर स्टार्ट किया गया? तो सर जी, ये गोवा में स्टार्ट किया गया है। कहां पर? गोवा में। क्लियर है सभी लोगों को? तो पहला टॉपिक आपका एक शानदार तरीके से आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024। ये क्या है? एक बहुप्रतीक्षित अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव है। ठीक है, तो ये पर्पल उत्सव है, इसको कहां पर शुरू किया गया? इसको गोवा में शुरू किया गया। ठीक है, ये कब से कब तक है? तो ये 13 जनवरी तक जो है वो चलेगा। कब तक चलेगा? 13 जनवरी तक चलेगा। याद कैसे रखना है? तो आपको याद ऐसे रखना है कि गोवा में सब लोग कहाँ जाते हैं? बीच पर जाते हैं। ठीक है, बीच पर जाते हैं मजा लेने, ठीक है, घूमने टहलने। तो यहाँ पर क्या करते हैं? रंग बिरंगे कपड़े सब पहनते हैं। ठीक है, और इसी रंग बिरंगे कपड़े में पर्पल कलर भी आता है और यही पर्पल क्या है? पर्पल उत्सव कहाँ है? गोवा में मनाया गया। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। ठीक, तो चलिए अब अपने अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक आपके सामने है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 है आप जैसे जो लोक सेवक हैं उनके लिए। ठीक है, किसके लिए? जो लोक सेवक हैं उनके लिए क्या है? 2023 प्रधानमंत्री पुरस्कार। ठीक है, लोक सेवक मतलब कौन होता है? जो जनता की सेवा में होते हैं, आईएएस, आईपीएस, ठीक है, आईएफएस,
ठीक, तो ये लोग क्या हैं, लोक सेवक हैं। क्या हैं? लोक सेवक। ठीक है, लोक मतलब क्या होता है, जनता होता है, और मतलब जो जनता की सेवा करे वही क्या है, लोक सेवक है। ठीक है, तो आप लोग भी जब एक सरकारी नौकरी लेके जनता की सेवा में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग क्या कहलाएंगे, आप लोग भी लोक सेवक कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो जनता तक, लोगों तक जो सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी सेवाएं हैं, उनको अच्छे से जहां पर डिलीवर किया जाता है, जो लोक सेवक उसको अच्छे से डिलीवर करते हैं, मतलब लागू करवाते हैं जमीनी स्तर पर, उनको क्या है, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया जाएगा। तो ये एक पुरस्कार है लोक सेवकों के लिए, इसको हर साल दिया जाता है। ठीक है, तो हर साल दिया जाता है, तो इस साल वाला भी दिया जाएगा, मतलब जो 2024 बीत गया है अब उसके लिए दिया जाएगा। तो इसमें क्या है, चुनिंदा सिविल सेवकों को क्या है, सम्मानित करेंगे। ठीक है, किसके लिए, तो लोक प्रशासन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, नागरिकों के जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए इन लोगों को क्या किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन और योजनाओं को लक्षित व्यक्तिगत लाभार्थियों तक पहुंचाने में उल्लेखनीय काम करने वाले लोक सेवकों को। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, लक्षित मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा एक क्या है, उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये सर क्या है, गैस जो है वो क्या है, निःशुल्क दी जाती है। ठीक है, पहली बार, उसके बाद तो भरवाना ही पड़ेगा, तो चलिए वो अलग बात है। तो गैस चूल्हा जो है वो दिया जाता है लाभार्थी को। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, क्राइटेरिया है। ठीक है, तो लक्षित लाभार्थी कौन हो गए, जिनको इनकी जरूरत है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना। अब प्रधानमंत्री आवास योजना है तो जिनके पास आवास नहीं है उनको क्या है, आवास देना इसका काम है। ठीक, तो आवास प्रदान करना है, इसके लिए सर क्या किया जाएगा, इसके लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया जाएगा कि जिनके पास घर नहीं है भाई आओ इस योजना के तहत उनको घर दे दो। ठीक, तो जिनके पास आवास नहीं है, जो लाभार्थी हैं वही क्या है, लक्षित व्यक्ति हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये सारी क्या है, ये सारी क्या है, केंद्र की योजनाएं हैं। ठीक है, आम नागरिकों के लिए, तो इन्हीं योजनाओं को जिसने अच्छे से लागू करवाया है, जिसने अच्छे से डिलीवर किया है वहां के नागरिकों के लिए, उनको ये पुरस्कार जो है वो दिया जाएगा। इसके तीन जो है वो मानदंड होते हैं, कौन कौन सा, सुशासन, ठीक है, गुणात्मक और मात्रात्मक। ठीक है, मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों, और सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस। ठीक है, क्या, गुड गवर्नेंस, सुशासन। ठीक, तो ये इसका क्या होता है, मानदंड होता है। ठीक, उसके बाद क्या है, मालदीव के 3 मंत्री निलंबित। ठीक है, क्या हो गए, ये निलंबित हो गए। कौन निलंबित हो गए सर, मालदीव के 3 मंत्री जो है वो निलंबित हो गए हैं। ठीक, तो कैसे, तो देखिए पूरा घटनाक्रम यह भी क्या है, बहुत ही हाईलाइटेड है कि मालदीव में, मालदीव और इंडिया का रिलेशन। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझेंगे, ब्रीफ में समझेंगे थोड़ा सा, क्या है कि क्या है भारत मालदीव संबंध। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि इंडिया है, इंडिया के नीचे क्या है, लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप के ही पास थोड़ा नीचे मिनिकॉय के बाद एक देश आता है, और उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है मालदीव। ठीक है, तो मालदीव क्या है, टापू राष्ट्र है। ठीक है, क्या है, टापू राष्ट्र है, तो ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, और यहां पर छोटे छोटे क्या हैं, द्वीप हैं। ठीक, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर हो गया, यहां पर है। ठीक, यहां पर क्या है, द्वीप है। तो ये सारे जो द्वीप हैं, ये कौन सा है, ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप कैसा द्वीप है, मूंगा द्वीप है। ठीक है, प्रवाल से बना है, क्या है ये, मूंगा द्वीप है। ठीक, ये मूंगा द्वीप है।
और यहीं पर इसका निचला बिंदु क्या है, मिनिकॉय है। ठीक, क्या है, मिनिकॉय है। और मिनिकॉय के बाद यहाँ एक देश है जिसका नाम है मालदीव। ठीक है, ये क्या है, एक टापू देश है। टापू क्या होता है आपको पता होगा, टापू होता है, जैसे टापू क्या होता है कि मान लीजिए ये क्या है, पूरा एक समुद्री क्षेत्र है, जल का क्षेत्र है, और जल के क्षेत्र में छोटा सा भाग कोई उठ के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये इतना भाग क्या हुआ, ये इतना भाग एक जमीन का हिस्सा ऊपर आ गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा टापू। क्लियर। तो अब स्टोरी समझेंगे क्या हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी चले गए कहाँ, लक्षद्वीप। ठीक है, भारत का क्या है, एक भाग है, संघ शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो ये लक्षद्वीप गए, लक्षद्वीप पर फोटो वोटो खिंचवाई। तो फोटो के शौकीन आदमी हैं, आप लोगों को पता ही है, देखते रहते हैं, टाइम टाइम पे आते रहते हैं ये। ठीक, तो शौकीन आदमी है फोटो के, फोटो खिंचवाया इन्होंने, देखिए मस्त लाइफ जैकेट पहन के, फिर यहाँ पे शायराना अंदाज में। तो ये सारी फोटो वोटो खिंचवाई और उसके बाद इन्होंने इसको ट्विटर पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब ट्विटर पे फोटो पोस्ट करने के बाद क्या हुआ कि कुछ लोगों ने क्या किया, जो भारत के लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया कि इसको थोड़ा सा क्या किया, हाईलाइट कर दिया। ठीक है, किसको, मालदीव को थोड़ा सा, सॉरी लक्षद्वीप को थोड़ा सा हाईलाइट किया कि देखिए इंडिया में इतनी अच्छी अच्छी जगहें हैं, हम क्यों और देशों में जाते हैं, ठीक, क्या करने जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो छुट्टियां मनाने क्यों कहीं और जाएं, हम अपने ही देश में जाएंगे, अपनी इकोनॉमी को क्या करेंगे, स्ट्रांग करेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। तो हुआ यूं कि सबसे पहले क्या हुआ कि जब इन्होंने फोटो पोस्ट कर दी तो यहाँ के तीन जो है वो मंत्री लेवल के जो नेता हैं, मरियम सिमना, मालसा शरीफ और अब्दुल्ला महमूद माजिद, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारी मतलब टिप्पणियाँ की, बहुत गलत गलत चीज़ें बोली कि भारतीय आते हैं इनको मतलब यहाँ पर उनकी इनके पसीने से बदबू आती है, या फिर इनको जोकर बोल दिया गया प्रधानमंत्री जी को, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें टिप्पणियाँ इनकी तरफ से की गई, और इस टिप्पणी के बाद क्या हुआ, इस टिप्पणी के बाद भारत में काफ़ी गुस्सा देखा गया, किसके विरुद्ध, मालदीव के विरुद्ध। ठीक है, अब क्या किया गया, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, मालदीव को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, वहाँ के खुद के नेताओं ने बोला कि किसी एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, और दूसरी चीज भारत क्या है, भारत हमारा सबसे बड़ा सपोर्टिव नेशन है, हमारा सबसे ज्यादा सपोर्ट जो है वो इंडिया ही करता है। ठीक, एक मिनट दीजिएगा मुझे। ठीक, तो हुआ यूं कि अब जैसे अभिनेता हो, जैसे अक्षय कुमार ने ट्वीट किया, सहवाग ने ट्वीट किया, और अमिताभ बच्चन तक ने ट्वीट किया कि मतलब हमारे लिए इतनी हेट क्यों है ऐसे उसमें। तो अभी अभी आपको पता होगा ना, मालदीव के राष्ट्रपति आज ही, ठीक है, 8 तारीख को ये कहाँ गए, ठीक है, ये कहाँ गए, चीन की यात्रा पर। ठीक है, कहाँ चले गए, ये चीन की यात्रा पर, मतलब कल ये कहाँ गए, चीन की यात्रा पर गए। ठीक है, तो ये अब क्या है, जो गवर्नमेंट मालदीव में बनी है ये क्या है, भारत विरोधी है। ठीक है, क्या है, भारत विरोधी है, और इसी एक एजेंडे पर ही ये सरकार बनी है कि भारत का विरोध करेंगे, है ना। तो ये चीज है, तो इसमें बहुत सारी जो क्रिटिसाइज होने के बाद मालदीव के नेता ने क्या किया, अपने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, मालदीव का जो इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी किस पे बेस है, टूरिज्म पे। ठीक है, और सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां से जाते हैं, इंडिया से जाते हैं, है ना।
तो ये चीज जो है वो सामने निकल कर आती है। तो ये अभी काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है मालदीव का, ठीक, क्लियर है। तो चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है, ठीक है, हाँ, अगला टॉपिक है कॉलेज फंगाधसी मिशन, ठीक है, कहाँ का मिशन, कॉलेज फंगाथंसी मिशन, ठीक। तो कहाँ पर ये चलाया गया, ये देखिए क्या हुआ, मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने विष्णुपुर जिले के मोइरंग कॉलेज में आयोजित एक भव्य समारोह में कॉलेज फंगाथंसी मिशन का शुभारंभ किया, ठीक है, कहाँ पर, विष्णुपुर जिले में, ठीक। अब क्या है, इसमें बहुत सारी परियोजनाओं की क्या की इन्होंने क्या किया, आधारशिला रखी, ठीक। और इसमें कौन कौन से हैं, तो इसमें है कांगजेबुंग लैंपक में प्राकृतिक घास के साथ फुटबॉल ग्राउंड, ठीक, ये है। और एस ए सी आई 2023-24 के तहत फौगाक चाओ इखाई पुलिस स्टेशन में Type 2 क्वार्टर का निर्माण, ठीक है। और इसी तरह और भी जो हैं CAPF कंपनियों के लिए, CAPF आपको पता होगा क्या है, क्या है, एक सुरक्षा बल है, ठीक है। तो इनमें इन सब के लिए क्या है, निर्माण का काम है, ठीक है। और क्या है, गो टू विलेज और गो टू हिल्स, ठीक है, इनकी सफलता के बाद गो टू स्कूल मिशन जो है वो भी क्या है, प्रारंभ किया गया है। क्लियर है सभी लोगों को, तो इसको आपको याद रखना है, किस जिले से शुरू किया गया है, विष्णुपुर जिले से शुरू किया गया है, ठीक। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है लैग्रेंज बिंदु या फिर लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है। तो इसको लैग्रेंज बिंदु, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो चीजें हैं वो आप समझिए, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, 6 जनवरी को क्या हुआ कि जो सूर्य का आदित्य L1 मिशन था, ठीक है, किसने लॉन्च किया था सर, इसरो ने लॉन्च किया था सूर्य के अध्ययन के लिए, ठीक है। तो इसको कहां पर स्थापित करना था, इसको स्थापित करना था L1 पॉइंट पर, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या था, आदित्य L1, ठीक, सभी लोगों को। तो 6 जनवरी को ये कहां पहुंच गया, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच गया, ठीक, यहां पर ये पहुंच गया। कितने दिनों में, 126 दिनों में, कितने किलोमीटर, 15 लाख किलोमीटर का ट्रेवल किया, ठीक है। तो आदित्य L1 अपने कक्षा में स्थापित हो चुका है जहां इसको जाना था, ठीक है सभी लोगों को। अब देखिए L1 ये लैग्रेंज पॉइंट होता क्या है, तो आपको मैं बताऊं कि जैसे दो खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, मान लीजिए एक ये है और दूसरा ये, ठीक है। मान लीजिए एक क्या है, ये कोई एक ए और ये कोई बी, ये दोनों क्या है, खगोलीय पिंड है, आप इसको स्टार मान सकते हैं, या फिर समझ लीजिए कि दो ऐसे उपग्रह ग्रह कुछ भी हैं जो जिनका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, सूर्य का भी है, चंद्रमा का भी है, तो सबका अपना अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक। तो इनका भी अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मान लीजिए इनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना है, ठीक, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल मैं आपको समझाऊं अगर, ठीक है, तो हाँ ठीक है, यहां से ऐसे है, ठीक। मान लीजिए ये इस पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल है, तो एक देखिए यहां पर एक जगह कैसी है, ये ठीक है, ये पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट है। यहां पर क्या है, ना इसका गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है और ना ही इसका, तो इसी को बोलते हैं लैग्रेंज पॉइंट। क्यों, क्योंकि इसका जिसने खोज किया था उनका नाम क्या था, लैग्रेंज, ठीक है। तो वैज्ञानिक का नाम लैग्रेंज होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं। ये क्या होता है कि दो खगोलीय पिंड होते हैं और दोनों के बीच का वो स्थान जहां पर
गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो समाप्त होता है, या फिर इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों मिलकर इनको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक, तो पृथ्वी और किसके बीच में, अर्थ और सन। ठीक है, अर्थ और सन, पृथ्वी और सूर्य के बीच में ऐसे कुल कितने पॉइंट हैं, तो ऐसे कुल 3 पॉइंट हैं। कितने, 3 बिंदु हैं। ठीक है, और इन बिंदुओं का L1, L2 और L3, ये 3 बिंदु हैं। ठीक, तो आदित्य L1 को कहाँ रखा गया है, L1 पॉइंट पर, जो कितनी दूर है पृथ्वी से, 15 लाख किलोमीटर दूर है। ठीक, तो यहां पर अगर आप पढ़ेंगे कि L1 अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां संतुलित होती हैं, मतलब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देती हैं, और न्यूट्रलाइज करने के बाद वो कहां, वहां पर जो है वो कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता है। और जब कोई भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, ठीक, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए एक पिंड ये है और दूसरा पिंड ये है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों मान लीजिए कहीं इस जगह पर, यहाँ पर इसका गुरुत्वाकर्षण बल और इसका गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमने क्या किया, हमने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर यहाँ पर रख दिया, ठीक है, हमने अपना कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिया, तो ना सूर्य अपनी तरफ उसको खींचेगा ज्यादा और ना ही अर्थ उसको अपनी तरफ ज्यादा खींचेगी। तो ना अर्थ खींचेगी ना सन खींचेगा, तो ये पॉइंट क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता है, और कम ऊर्जा की आवश्यकता है इसीलिए इस पॉइंट को वैज्ञानिकों द्वारा चुना गया। क्लियर है सभी लोगों को L1 पॉइंट। तो 6 जनवरी को आदित्य L1 मिशन लैग्रेंज बिंदु L1 पर सफलतापूर्वक क्या है, पहुंच गया, तो ये इसरो की एक बड़ी क्या है, सफलता है। ठीक है, इस पे हमें क्या है, गर्व होना चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है आपका टॉपिक अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद। ठीक है, क्या जाता है, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद जो है वो आ जाता है। ठीक है, केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने आज, मतलब कल, ठीक है, मतलब 8 को, ठीक है, कोलकाता में अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, क्या है, इन्होंने अध्यक्षता की। क्लियर, तो देखिए ये क्या है, ये पहली बैठक है। ठीक है, क्या है, पहली बैठक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या है, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद। ठीक, इसकी बैठक में किसने की, सर्वानंद सोनोवाल ने की, कहाँ पर, कोलकाता में। ठीक है, कहाँ, कोलकाता में। ठीक, क्लियर, तो इसकी बैठक जो है वो पहली बैठक थी, इसलिए आपको ये इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना चाहिए। बैठक के दौरान हरित नौका अंतरदेशीय जहाजों के हरित परिवर्तन संबंधित दिशा निर्देशों और रिवर क्रूज पर्यटन रूपरेखा 2047 सहित महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण किया। ठीक है, क्या किया, इन सब चीजों का इन्होंने आवरण किया, और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 2030 में रेखांकित लक्ष्यों के अनुरूप अंतरदेशीय जल नौवहन की आदर्श हिस्सेदारी को वर्तमान 2% से बढ़ाकर 5% का लक्ष्य जो है वो इन्होंने निर्धारित किया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अंतरदेशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक थी, अध्यक्षता किसने की, जलमार्ग मंत्री परिवहन पोत जो थे सर्वानंद सोनोवाल ने, कहां पर की, कोलकाता में की। क्लियर है सभी लोगों को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, ONGC से संबंधित है। ONGC आप लोगों को पता है एक क्या है, पेट्रोलियम गैस का कंपनी है इंडिया में। ठीक, तो
तो ओएनजीसी ने बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है, ये बेसिन आपको पता होगा, यहाँ पर पेट्रोलियम और खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, क्या है? पेट्रोलियम और खनिज जो है वो प्रचुर मात्रा में यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक, यहाँ पर इस कंपनी ने क्या किया, तेल का उत्पादन शुरू कर दिया है। ठीक है, कहाँ पर? तो केजी डी डी डब्ल्यू एन 98.2 ब्लॉक। ठीक है, तो ये क्या है, नाम है उस ब्लॉक का जहां पर शुरू किया क्लस्टर 2। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में किसने शुरू किया, ओएनजीसी ने। ठीक, ओएनजीसी ने शुरू कर दिया है पेट्रोलियम निकालना या फिर तेल का उत्पादन। ठीक, पेट्रोलियम मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने बताया है, अंदाजा लगाया है कि कच्चा तेल उत्पादन प्रतिदिन 45,000 बैरल और गैस उत्पादन 1 करोड़ घन मीटर रहने की उम्मीद है। ठीक है, तो ये क्या है, एक गैस है, मतलब एक अंदाजा है कि इतना उत्पादन जो है वो किया जा सकता है। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, ये इंपॉर्टेंट है आपके, अगर अभी हाल ताज में एग्जाम्स हैं, ठीक है, जैसे आरओ यारओ का एग्जाम है, ठीक है, यूपीपी के एग्जाम्स हैं और पीएससी का एग्जाम है। ठीक है, तो यूपी में ट्रेंड होता है, अवार्ड्स पूछे जाते हैं, आपको यहाँ से अवार्ड्स जो है वो मिलेंगे पक्का। तो अभी क्या हुआ, गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया। तो आपको पता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड संबंधित किससे है, तो ये एंटरटेनमेंट से है या फिर आप कह लीजिए सिनेमा से है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत सारी चीजों को जो है वो अवार्ड दिया गया, तो एक एक करके सबको देखेंगे। तो बेस्ट फीमेल एक्टर मोशन पिक्चर किसको दिया गया, लिली ग्लैडस्टोन। किसको दिया गया, लिली ग्लैडस्टोन को दिया गया। मूवी का नाम है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। ठीक, क्लियर। दूसरा अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में किसको दिया गया, सिलियन मर्फी को दिया गया। ठीक, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया ओपेन हाइमर। ठीक है, किसको दिया गया, ओपेन हाइमर। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये एक साइंटिफिक मूवी है, इसमें दिखाया गया है कि जब पहला परमाणु बम अमेरिका द्वारा बनाया गया तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्या क्या चीजें हुई थी, क्या घटनाएं हुई थी, किस तरह से उस बम को डिजाइन करने वाले जो ओपेन हाइमर थे उन्होंने उसमें क्या क्या बाधाएं थी, सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। थोड़ी लंबी मूवी है, लगभग 4 घंटे की है, तो आप थोड़ा बोर हो सकते हैं लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, उसके बाद बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया, ओपेन हाइमर, इसको आपको याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ये इसी मूवी के क्या हैं, डायरेक्टर हैं, ओपेन हाइमर के। फिर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस एलिजाबेथ डेबी की द क्राउन मूवी के लिए इनको दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग मेल एक्टर इन मोशन पिक्चर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ठीक है, आप लोग इनको जानते होंगे, यही है, आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही क्या है, आयरन मैन है। इनको ओपेन हाइमर में सपोर्टिंग मेल एक्टर के लिए दिया गया। ठीक, बेस्ट फीमेल सपोर्टिंग एक्टर किसको दिया गया, द वायन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए। ठीक, कि क्या है ये मूवी का नाम है। ठीक, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर इन टेलीविजन किसको दिया गया, मैथ्यू मैकफेडेन सक्सेशन के लिए। बेस्ट परफॉर्मेंस इन स्टैंड अप कॉमेडी रिकी गेरवाइस को ये दिया गया। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये अवार्ड्स की लिस्ट है, आपको याद रखनी है, आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। बेस्ट पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज किसको दिया गया, एनाटॉमी ऑफ द हॉल। फिर उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन टीवी सीरीज, तो इसमें है म्यूजिकल या कॉमेडी, तो आयो एडेबिर द बियर। ठीक, फिर उसके बाद बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर, इस किसको दिया गया, पुअर थिंग्स को। ठीक, उसके बाद सिनेमैटिक और
बॉक्स ऑफिस अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया? बारबी को। ये क्या है? मूवी का नाम है, व्यक्ति का नहीं। ओरिजिनल स्कोर मोशन पिक्चर का अवार्ड किसको दिया गया? लुडविग गोरानसन। किस मूवी के लिए? ओपेनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर इन ड्रामा ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को दिया गया। बेस्ट लिमिटेड सीरीज एंथोलॉजी सीरीज या मोशन पिक्चर इन टेलीविजन बीफ को दिया गया। बेस्ट टेलीविजन सीरीज म्यूजिकल या फिर कॉमेडी में किसको दिया गया? द बियर को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविजन सीरीज ड्रामा सक्सेशन के लिए सारा स्नूप को दिया गया। बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सी थी? सक्सेशन को मिला। बेस्ट एक्टर इन टेलीविजन सीरीज ड्रामा सक्सेशन को ही, सक्सेशन के लिए किसको? किरण कल्विन को। बेस्ट एनिमेशन फिल्म मतलब कार्टून जो मतलब एनिमेटेड होती है, द बॉय एंड द हेरॉन। और बेस्ट एक्ट्रेस इन कॉमेडी एम्मा स्टोन किसके लिए? पुअर थिंग्स के लिए। तो ये पूरी लिस्ट है, मुझे भी नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगी, लेकिन आपको एग्जाम्स देने हैं, आप बार बार इसको देखेंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है आपके जबान पर एकदम से रटी हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं इसमें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सक्सेशन और ओपेनहाइमर, ये दो मूवी ऐसी हैं जिसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आपको इनके कैटेगरीज याद रखनी है, ठीक है। जैसे बेस्ट मूवी किसको मिली, बेस्ट एक्टर, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एम वी वासिली गोलोविन, ठीक है। ये क्या है? ये एक जहाज का नाम है। किसका नाम है? जहाज का नाम है। तो देखेंगे ये क्यों न्यूज में है। तो भारत का समुद्री अभियान जहाज एम वी वासिली गोलोविन 23 दिसंबर 2023 की सुबह 43वीं ISA यात्रा के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला, ठीक है। तो थोड़ा सा पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट था तो मैंने ले लिया है, ठीक। तो इस अभियान में भारत से 21, बांग्लादेश से एक और मॉरिशस से दो सदस्य मतलब दो सदस्य शामिल हैं। तो मतलब ये कि टीम है, इसमें ये लोग क्या हैं? शामिल हैं, ठीक। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, आपसे पूछा जाएगा कि ये जो जहाज है ये कहाँ की यात्रा के लिए निकला है। तो ये अंटार्कटिका की यात्रा के लिए निकला है। ये एक क्या है? वैज्ञानिक मिशन है। क्या है? वैज्ञानिक मिशन है। क्लियर? ठीक, क्लियर है सभी लोगों को? फिर चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, इंडस फूड 2024, ठीक। सॉरी, ये यहां पर नहीं होगा, ठीक है, ये आपका टॉपिक नहीं, ठीक। तो देखिए क्या है, बिल्किस बानो केस, ठीक। क्या है? बिल्किस बानो केस 2002, ठीक है। तो हुआ यूं कि आप सबको इस केस के बारे में पता होगा कि बिल्किस बानो क्या थी, एक महिला थी। जब गुजरात दंगा हुआ तो गुजरात दंगे में 11 लोगों ने मिलकर क्या किया था, इनके साथ बलात्कार किया था, रेप किया था, और उसके बाद इन 11 लोगों को सजा दी गई थी। फिर हाल ही में अभी पिछले साल क्या हुआ कि गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया, गुजरात हाई कोर्ट ने इन 11 लोगों को क्या किया, रिहा कर दिया, जमानत दे दी। 15 अगस्त को इनको जेल से छोड़ा गया कि इनका व्यवहार अच्छा है, ये अच्छे लोग हैं, अपने जेल में अच्छे से रह रहे हैं, इसलिए इनको सजा में रियायत देकर इनको क्या किया गया, रिहा कर दिया गया, ठीक। तो इसके उसमें फिर बिल्किस बानो ने क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, उसमें बहुत सारे लोगों ने खुले पत्र लिखे, लगभग हजारों लोगों ने लिखे, और उसके फिर रिटेलिएशन में सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जिसकी बेंच में कौन कौन था, जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइया, ठीक है। ये दो लोग थे, ये दो लोगों ने क्या किया, ये क्या है, फीमेल है, ठीक है। तो इन दो लोगों की बेंच में क्या हुआ, ये केस था, ठीक। और केस में जब फाइनल फैसला आया तो फैसले में क्या बताया गया कि जो ये 11 दोषी हैं ये रिहा नहीं किए जा सकते, ये गुजरात हाई कोर्ट के अंडर ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। ये सारा केस हुआ था मुंबई हाई कोर्ट में, तो ये वहां के ज्यूरिडिक्शन में आएगा, क्लियर। तो ये फैसला सुनाया गया, उसके बाद अल्टीमेटम दिया गया कि 2 हफ्ते का टाइम है, जो 11 के 11 ये दोषी हैं ये आके सरेंडर करें, ठीक। तो देखिए क्या है कि जो चीजें हैं ना, जैसे
इन 11 लोगों को कब रिहा किया गया? 15 अगस्त को किया गया था, ठीक है। तो आप इस देश की विडंबना देखिए कि जो रेप के आरोपी हैं इनको जब रिहा किया गया तो इनका लोगों ने माला वाला पहनाकर बहुत अच्छे से स्वागत वगैरह किया था। तो मतलब अजीब सा लगता है कि देश का नाम भारत माता के नाम पर है और किसी महिला के साथ ये चीजें हो रही हैं, और जो करने वाले हैं वो जब जेल से छूटते हैं तो उनका स्वागत फूल माला आदि से किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है इस देश के लोकतंत्र की कि कभी कभी मतलब लगता है कि सऊदी अरब जैसा ही कानून हो, रेप वेप पे सीधे मतलब जो मार देते हैं खत्म काम, ठीक है। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए कि केस हो गया, 2002 का केस है, अभी तक इसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। सिंपल सा था, 2002 का केस था, 2003 में फांसी पे लटका देना था, बात खत्म, ठीक। तो ये पूरा इसकी स्टोरी है, आपको पढ़ना हुआ पढ़ सकते हैं। ये क्या था, जब इनका रेप किया तो 21 साल की थी और 5 महीने की गर्भवती थी। 21 साल के लोगों को आजकल क्या है, बच्चा कहा जाता है घर में, और इस बच्ची के साथ ये सारी चीजें जो है वो घटित हुई। तो आप सोच सकते हैं देश की हालत और देश में जो लोग हैं उनकी सोच कैसी है कुछ लोगों की। तो ये क्या है, असामाजिक तत्व हैं जो रहते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए फिर अलवारो, ठीक है। अलवारो क्या है, एक क्या है, ये चक्रवात है। क्या है, चक्रवात है। तो 2024 का पहला चक्रवात अलवारो मेडागास्कर से टकराया, ठीक है। तो कहां से टकराया ये जरूरी नहीं है, अलवारो जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये 2024 का पूरे वर्ल्ड वाइड मैप पे ये पहला चक्रवात है, ठीक है। कौन सा चक्रवात है, पहला चक्रवात है। 1 जनवरी को 2024 यह चक्रवात मेडागास्कर के मोरोम्बे के पास आघात किया, मतलब इसका लैंडफॉल हुआ, क्लियर। तो हैप्पी न्यू ईयर मनाने आया था, मनाया आराम से, ठीक। फिर क्या है, यह 2023-24 के सीजन में मेडागास्कर से टकराने वाला पहला चक्रवात बन गया। इसी से संबंधित एक घटना और है, जुलाई 2023 में एक योजना लॉन्च की गई थी जिनका नाम है रेप्रेसा, ठीक है। यह एक क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योजना है जिसमें कौन कौन है, दक्षिण अफ्रीका है, यूके है और अन्य यूरोपीय कंट्री शामिल है। इसका एम क्या है, तो इसका एम है कि जो ये सारी चीजें होती हैं मौसमी घटनाएं, इन पर रिसर्च करना और इनके रोकथाम के लिए थोड़ा सा उपाय करना। तो अलवारो का नाम आपको याद रखना है, बढ़िया रहेगा एकदम चकाचक। फिर पृथ्वी विज्ञान योजना, ठीक है। पृथ्वी विज्ञान योजना क्या है, तो इसको क्या है, मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के लिए 97 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई, ठीक है। इसमें क्या क्या है, इसमें इसके तहत क्लाइमेट रिसर्च मतलब मौसम संबंधी खोज, महासागरीय सेवाएं, ध्रुवीय विज्ञान, भूकंप विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, यह पहल एडवांस पृथ्वी प्रणाली विज्ञान की दिशा में हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसमें क्या है, जलवायु अनुसंधान, महासागरीय सेवाएं, ध्रुवीय विज्ञान, भूकंप विज्ञान और बहुत कुछ चीजों को क्या है शामिल किया गया है। तो इसका जो शुभारंभ है उसको जो मंजूरी है वो किसने दे दिया, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दे दिया है, ठीक है। तो ये इसके एम्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको मन हो डिस्क्रिप्टिव में जाने का। तो बहुत सारी चीजें हैं कि क्या किया जाएगा, भूमंडल, वायुमंडल, महासागर, पृथ्वी के दीर्घकालिक निरीक्षणों का संवर्धन, ठीक है, मौसम, महासागर, जलवायु खतरे, इन सबको समझने के लिए, ठीक है, बाकी जो मौसम में परिवर्तन हो रहा है उसकी वैज्ञानिक प्रणाली को समझने के लिए, इन सब चीजों पर जो है वो काफी सारी खोज जो है वो की जाएगी, क्लियर है सभी को। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज कहां से आती है, बांग्लादेश से आती है। बांग्लादेश से न्यूज क्या आ रही है कि शेख हसीना ने क्या किया है, फिर से वहां पर पीएम का जो चुनाव है वो जीत लिया है, और ये जीतने के साथ ही ये 5वीं बार यहां पर प्रधानमंत्री बन जाएंगी, और ये लगातार 2009 से क्या है यहां पर चुनाव जीत रही है, ठीक है। तो ये चुनाव जीतने का मतलब सिर्फ इतना है कि इनका नेतृत्व अच्छा है। बांग्लादेश के बारे में आपको पता होगा, पश्चिम बंगाल से सटा हुआ राज्य है, भारत के बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक है, और यहाँ की राजधानी क्या है, ढाका है, मुद्रा क्या है, टका है, ठीक है। तो ये दो चीजें यहाँ पर हैं, ठीक। और आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पर, अगला टॉपिक क्या है, आज का इतिहास, ठीक है, मतलब 8 जनवरी का, ठीक है। तो आज का इतिहास मतलब 8 जनवरी का इतिहास,
ठीक है, तो 8 जनवरी को क्या किया गया था, 933 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, ठीक है, और 1026 में आज के ही दिन फिर से इसने इसको लूटा था। क्लियर? तो दो बार आज के ही दिन 8 जनवरी को ही महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, बहुत सारा धन लूटा और लूटकर चला गया। ठीक, उसके बाद ये कहाँ का था महमूद गजनवी, यामिनी वंश का था। इसके बाद कौन आता है, तो इसके बाद आता है मोहम्मद गौरी। ठीक है, फिर उसके बाद 1984 में आज के ही दिन क्या हुआ था, भारत की पहली महिला पायलट सुषमा मुखोपाध्याय का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। क्लियर सभी लोगों को? तो आपको याद रखना है सुमुखा मुखोपाध्याय, सुषमा मुखोपाध्याय, ये क्या है, भारत की पहली पायलट थी। क्लियर सभी लोगों को? तो क्लास में अभी तक बने रहने के लिए अभी आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से मिलते हैं इसी टाइम पे, तो क्लास से जुड़ना ना भूलें और अपना सजेशन, अपना फीडबैक, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे सभी लोगों के सपने जो है वो सच हो सकें। तो चलिए मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।